आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे INS कवरत्ती के इंडियन नेवी में इंडक्शन के बारे में, जिसे कल यानी कि 22 अक्टूबर 2020 को हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की प्रेजेंस में नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। और एक आसान भाषा में समझेंगे कि एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील्थ कॉर्वेट्स होते क्या है और कैसे इंडियन आर्म फोर्सेज के मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत में इन एंटी सबमरीन वारफेयर के इंडक्शन को वन स्टेप फॉरवर्ड माना जा रहा है। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। INS कवरत्ती, जिसे कल नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है, यह इंडियन नेवी की एक एंटी सबमरीन वारफेयर की स्टील्थ कॉर्वेट है, जिसके इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 28 के अंदर इसको बिल्ड किया गया है। और INS कवरत्ती कमरोटा क्लासेज कॉर्वेट्स की फोर्थ एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है, जिसे इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। इससे पहले इसकी क्लासेज की 3 कॉर्वेट को इंडक्ट किया जा चुका है। और अगर हम बात करें एक कॉर्वेट के बारे में कि आखिर कॉर्वेट होती क्या है, कॉर्वेट बेसिकली एक स्मॉल इन साइज और हाईली मैनुवेबल वारशिप्स होती हैं, जो साइज में डिस्ट्रॉयर से थोड़ी छोटी होती हैं, जो हमारे बड़े बड़े शिप्स और वारशिप्स को एस्कॉर्ट करती हैं और उन्हें किसी अदर शिप्स या एनिमी शिप्स के किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करती है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 28 के बारे में, प्रोजेक्ट 28 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में अप्रूव किया था। प्रोजेक्ट 28 के अंदर इंडिया के द्वारा इंडिजीनियसली बिल्ट एंड डेवलप्ड एंटी सबमरीन वारफेयर की कॉर्वेट्स को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाना था और इसकी स्टार्टिंग INS कमोर्टा से हुई, जिसका कंस्ट्रक्शन 12 अगस्त 2005 में स्टार्ट हुआ था। और अगर बात की जाए इन एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स के बेसिक डिजाइंस के बारे में, इनके बेसिक डिजाइन को इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया और उसी बेसिक डिजाइन को फॉलो करते हुए इनके डिटेल डिजाइन को और इनको मैन्युफैक्चर किया गया GRSE यानी कि कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। अगर बेसिकली हम बात करें इन एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स के मेजर फीचर्स के बारे में, तो इनमें बेसिकली स्टील फीचर पर मैक्सिमम कंसंट्रेट किया गया है और स्टील फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए इनके हाल को एक्सेप्ट में फॉर्म किया गया है। साथ ही साथ इनके प्रोपल्शन सिस्टम को राफ्ट माउंटेड किया गया है ताकि इनकी वाइब्रेशन को रिड्यूस किया जा सके। और इसके साथ साथ इनमें इंफ्रारेड सिग्नेचर को सप्रेसेंस करने के लिए सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिससे एनिमी के रडार, एनिमी के सोनार और एनिमी की किसी भी टोरपीडो या फिर अंडर वाटर सबमरीन्स या फिर किसी मिसाइल सिस्टम्स को इन कॉर्वेट्स को डिटेक्ट करने में बहुत समय लगता है। इनके साथ साथ इसमें वर्ल्ड लेवल के अदर सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें आप टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम और पर्सनल लोकेटर सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। इन एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स में केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वारफेयर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता और यह न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक के बाद भी इसी वारफेयर सिनेरियो में अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो सबसे मेजर माइलस्टोन्स इन एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स का है, वो यह है कि इनका बिल्ट और इनके सेंसर्स, इनके वेपन और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वह 90% इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर और डेवलप किया गया है। तो यह इंडिया के आत्मनिर्भर भारत और इंडियन आर्म फोर्सेज के इंडिजिनाइजेशन में इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। अगर बात करें कमरोटा क्लासेज की कॉर्वेट्स के बारे में, तो जैसा कि हमने आपको बताया था, इस कमरोटा क्लासेज की 4 कॉर्वेट्स को इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 28 के अंदर इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाना था। इसकी शुरुआत हुई 2014 में, जब INS कमरोटा को इंडक्ट किया गया। उसके 2 साल के बाद 2016 में INS कदमत, उसके नेक्स्ट ईयर 2017 में INS किल्टन और अभी 2020 में INS कवरत्ती को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा चुका है। और अगर आप इन कॉर्वेट्स के नाम को ध्यान से देखेंगे, तो इन कॉर्वेट्स के नाम को इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप्स के आइसलैंड्स के नाम पर नेम्ड किया गया है। और कमरोटा क्लासेज की ये कॉर्वेट्स बाई रोल अभ्या क्लासेज की कॉर्वेट्स को रिप्लेस करेंगी
और बाई प्रेसिडेंडेंस ये कोरा क्लासेज के कोरवेट्स को रिप्लेस करेंगे। ये INS कवरेती का एक बेसिक ओवरव्यू हम आपको देते हैं। INS कवरेती को GRSC कोलकाता के द्वारा बिल्ड किया गया है। बेसिकली इसकी लेंथ 109 मीटर है। इसमें प्रोपल्शन सिस्टम के रूप में 4 पायलिस्टिक कॉम्बाइंड डीजल एंड डीजल इंजन्स लगे हुए हैं, जिसकी हेल्प से यह इजिली 25 नोट्स यानी कि 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैक्सिमम रेंज 3450 नॉटिकल माइल यानी कि 6000 किलोमीटर तक इजिली डिस्टेंस कवर कर सकती हैं। किसी भी एयरक्राफ्ट, किसी भी शिप या किसी भी वारशिप्स में उसके सेंसर ही डिसाइड करते हैं कि वह एयरक्राफ्ट, शिप, कॉर्वेट या वारशिप्स कितनी देर तक अपनी एडवर्सरीज के वेपन के सामने स्टैंड कर सकता है और उनको डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर हम बात करें INS कवरती के बारे में, तो INS कवरती में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स लगे हुए हैं। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर एंड डेवलप की गई रेवाथी 3 डायमेंशनल E&F बैंड की रडार्स लगी हुई है, जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज की जा रही रोहिणी रडार का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे इंडियन नेवी यूज करता है। इन 3D रेवाथी रडार को आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इनके इंटीग्रेशन के बाद यह 200 किलोमीटर के डिस्टेंस और 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक अप्रोक्स 150 टारगेट को इजीली ट्रैक कर सकता है और सरफेस टू एयर मिसाइल्स की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके साथ साथ INS कवरती में एन पोल के द्वारा डिजाइन किया गया, यानी कि नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी के द्वारा डिजाइन किया गया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया 3rd जनरेशन इंडिजिनियसली बिल्ट सी बोन हल माउंटेड सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो इजिली किसी भी अंडर वाटर सबमरीन और टॉरपीडो को डिटेक्ट कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ही डिजाइन एंड डेवलप किए गए लिनक्स UN फायर कंट्रोल रडार और लार्सन एंटरबो के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किए गए टॉरपीडो और ट्यूब लॉन्चर्स लगे हुए हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर रोल के लिए INS कवरती पर MH-60 रोमी हेलीकॉप्टर के लिए डेक और हैंगर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें INS कवरती के आर्मामेंट या वेपन सिस्टम्स के बारे में, तो INS कवरती में इटालियन डिफेंस कंपनी ऑटो मिलारा के द्वारा डिजाइन और डेवलप की गई 76mm की ऑटो मिलारा नेवल गन लगी हुई है और इसके साथ साथ 2 213mm कैलिबर की RBU IRL 6000 एंटी सबमरीन के रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ साथ INS कवरती में 2 ही फुल्ली ऑटोमेटिक नेवल क्लोज इन वारफेयर सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिसमें 6 बैरल और 30mm के रोटरी कैनन्स लगे हुए हैं, जो किसी भी क्लोज इन के टारगेट को इजीली डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और किसी सरफेस टू एयर टारगेट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए INS कवरती में 16 सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स दिए गए हैं, जिसमें हम BARAK-1 और BARAK-8 जैसी सरफेस टू एयर नेवल मिसाइल्स लगा सकते हैं, जो 0.5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक किसी भी एयरबोन थ्रेट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप्स मिसाइल्स, UAVs एज वेल एज दी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजिली डिस्ट्रक्ट कर सकता है। इसके स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स और वेपन्स के बारे में पढ़ने के बाद आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि इंडियन नेवी के द्वारा इंडक्ट की गई INS कवरती और कमरोटा क्लासेज की एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित होगी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी करंट अफेयर टॉपिक या फिर किसी UPSC, PCS और SSC परस्पेक्टिव से किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की फुल डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।